बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक युवक अपनी मां के शव को घर में ही दफनाना चाहता था, लेकिन गांव वालों के विरोध और पुलिस की सख्ती के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। आखिर वजह क्या थी इसके पीछे, चलिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मां के शव को घर में दफनाने की कोशिश, गांव वालों ने किया विरोध, ग्रामीणों ने पुलिस को की खबर, पुलिस के समझाने पर किया अंतिम संस्कार। मौत के बाद भी मां को नहीं जाने देना चाहता था दूर। पूरे इलाके में सुर्खियां बटोर रही घटना। मां कहते हैं भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने मां को बनाया। इस शब्द और रिश्ते के आगे सारे शब्द कमतर लगते हैं, लेकिन कोई भी माँ जिंदगी भर अपने बच्चे के साथ नहीं रहती। मौत की बात वो रहती है तो सिर्फ बच्चों की यादों में। बरेली में एक ऐसा मामला आया जिसमें एक युवक माँ को दूर नहीं जाने देता था। मानसिक रूप से कमजोर पंचम नाम का युवक माँ के शव को घर में ही दफनाना चाहता था। बरेली के लभेड़ा पुरोहित गाँव में ये मामला सामने आया। दरअसल पंचम ने अपने मां से ज्यादा लगाव होने के चलते घर में कब्र खोद डाली और मां की मौत होने पर उसे घर में दफनाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो गांव वालों ने इसका विरोध किया। फिर क्या था, मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने उसे समझाया कि अगर कोई दिक्कत है तो वो उन्हें बताए या ग्राम प्रधान को बताए। भाई साहब, ये पंचम लाल अपनी माँ के साथ बहुत लंबे टाइम से यहाँ रह रहे थे। पिताजी बहुत पहले ख़त्म हो गए, शादी भी हुई थी, वो भी चली गई। अब ये माँ में बेटे में इतना प्यार था कि दोनों लोग रहते थे। इनकी माँ अचानक ख़त्म हो गई लंबी उम्र के बाद, करीब 80-85 साल के ये थी इनकी। तो इन्होंने सोचा कि अब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, तो उन्होंने अपने घर में ही कब्र खोद दी, मतलब गड्ढा खोद दिया कह सकते हैं, कि जो मेरी माँ मुझसे दूर ना रहे। उसने बहुत लगाव हो उसको, विशेष प्यार मोहब्बत उसकी काफ़ी, बाप बहुत दिन आगे गुजर चुके हैं, और उनकी माँ ने जो बोला कि हमें यहीं कर दियो, हमारे यहीं जो क्रियाकर्म जो करने के वो घर भी कर दियो, बलिहाज से उनने गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदने के हम लोग सब इतराज उठाओ, गांव के ने इतराज उठाओ, तो वो गड्ढा मानी ना, फिर पुलिस बुलवाई, प्रधान जी बुलवाए, तब वो हम दाह संस्कार करने को ले गए। बाद में बमुश्किल पंचम इस बात को तैयार हुआ कि वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करेगा। इसके बाद मृतका के शव को शमशान घाट ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन फिलहाल ये घटना अब पूरे इलाके में सुर्खियां बटोर रही है। मां के पैरों में जन्नत होती है ये कहते हुए पंचम ने अपने बचपन में कई लोगों को सुना था, लेकिन पंचम को ये नहीं पता था कि ये जन्नत कैसे नसीब होती है। जिस तरीके से पंचम की माँ की मौत बीमारी के चलते हो गई, इसके बाद पंचम अपने को अकेला पाने लगा। पंचम ने अपनी माँ से दूरी कम करने के लिए अपनी माँ की कब्र अपने घर में ही बना दी। इसका आप देख सकते हैं नमूना कि किस तरीके से यहाँ पर कब्र खोदी गई, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध जताया। उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया। लाख समझाने के बाद पंचम उनकी बात माना और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। कैमरा पर्सन पवन कश्यप के साथ मैं भीम मनोहर, R9 TV, बरेली।